नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति। आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो ये वीडियो है वो साइकोलॉजी के रिलेटेड है, लेकिन ओनली साइकोलॉजी वाले के लिए नहीं है। इकोनॉमिक्स है या फिर आपकी कॉमर्स के स्टूडेंट है या फिर एजुकेशन वाले हैं, तीन सभी जो भी सब्जेक्ट में रिसर्च के जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उन सभी सब्जेक्ट वालों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोज डाले जाते हैं ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं पैराग्राफ को देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको जो भी पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो सभी जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही घबरा जाते हैं कि यार ये क्या पैराग्राफ कहना चाहता है ना। तो जो थियरी जो लोग नहीं पढ़े हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल सा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी रिसर्च किया गया है, अध्ययन किया गया है, तो उसमें कौन कौन से वेरिएबल दिए हुए हैं या फिर कौन सी डिज़ाइन यहाँ पर ली गई है, ये सारी बातें आपको यहाँ से निकालनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको बना देनी है और उसके बाद ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है। उससे पहले क्वेश्चन को देखोगे तो घबरा जाओगे। ओके, तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ को पढ़ना है। पढ़कर आपको क्या करना है, तो आपको जो भी वेरिएबल है या फिर हाइपोथेसिस है और फिर रिसर्च डिज़ाइन है, डाटा कलेक्शन किस तरीके से किया गया है, डाटा का एनालिसिस किस तरीके से किया गया है, यानी कि कौन सी टेस्ट अप्लाई की गई है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ से ही पहले निकाल देनी होगी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलना होगा। तो चलिए सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ते ही यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, ताकि इंग्लिश वालों के लिए भी कोई दिक्कत ना खड़ी और हिंदी के लिए भी दिक्कत ना हो। चलिए सबसे पहले पैराग्राफ को देखते हैं। वर्ष 1950 के बाद लगभग तीन से चार दशकों तक प्रायोगिक व्यक्तित्व अनुसंधान अत्यधिक लोकप्रिय बना रहा। प्रायोगिक व्यक्तित्व अनुसंधान में मुख्य बल इस बात का अध्ययन करने पर दिया जाता है कि किस प्रकार प्रायोगिक दृष्टि से किए गए स्वतंत्र परिवर्तन का प्रभाव व्यक्तित्व परिवर्तन से प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो हमारे काम की चीज ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर हमारी रिसर्च के रिलेटेड कुछ भी नहीं। ओके, अब हमारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस प्रकार के एक अध्ययन में। देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा अध्ययन, तो उस अध्ययन में अनुसंधान करता है इस बात का अध्ययन करना चाहते थे कि क्या प्रक्षिप्त अधिगम को क्या बोलेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है इंग्लिश में भी, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश भी देख लेना, इंटरपोलेटेड लर्निंग। ओके, तो यहाँ पर इंटरपोलेटेड लर्निंग जो है उसका मतलब होता है प्रक्षिप्त अधिगम। ओके, तो प्रक्षिप्त अधिगम ए का प्रभाव दुश्चिंता बी द्वारा परिवर्तित हो जाता है। तो दुश्चिंता किसे कहेंगे हम, एंजाइटी को, तो एंजाइटी को दे दिया गया बी और इंटरपोलेटेड को दिया गया ए। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, ये दोनों हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आगे मैं बताती हूँ आपको, पहले हम पैराग्राफ को देख लेते हैं। अनुसंधानकर्ताओं ने प्राकल्पना की कि प्रक्षिप्त अधिगम से कम दुश्चिंतक प्रायोजक की उपेक्षा उच्च दुश्चिंतिक प्रायोजक में मूल अधिगम के प्रत्याहन पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर क्या पाया जा रहा है हाइपोथेसिस में, तो यहाँ पर देखिए, ये रही आपकी रिसर्चर ने जो हाइपोथेसिस बनाई, तो उसमें उन्होंने क्या किया, इंटरपोलेटेड लर्निंग जो है वो एडवर्सली अफेक्ट द रिकॉल ऑफ ओरिजिनल जो लर्निंग है उसके हाई एंजाइज सब्जेक्ट एंड लो एंजाइज सब्जेक्ट। ओके, यानी कि यहाँ पर क्या कहा जाता है कि जो भी हमारा इंटरपोलेटेड लर्निंग है उससे क्या होता है कि हमारी जो लो एंजाइटी है और उसकी अपेक्षा पर जो हाई एंजाइटी के जो भी प्रयोजन है
उसके मूल अधिगम की जो भी प्रत्यय का मतलब होगा रिकॉल, तो रिकॉल पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि यहाँ पर ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव यानी कि इफेक्ट पड़ता है रिकॉल पर। ये बात की गई किसकी, तो इंटरपोलेटेड से, इंटरपोलेटेड जो हमारा लर्निंग है वो, और जो लो एंजाइटी एंड हाई एंजाइटी, ओके, तो इनकी हमारे रिकॉल पर ज्यादा असर पड़ता है, ये बात बताई गई है। उसके बाद देखते हैं मानकीकृत दुश्चिंता मापने का, यहाँ पर क्या किया गया है, स्टैंडर्डाइज एंजाइटी स्केल का यहाँ पर यूज किया गया, और 200 प्रयोजकों, 200 ओके, तो 200 प्रयोजकों की आरंभिक कुल में से 50 उच्च दुश्चिंतित, यानी कि यहाँ पर 50 हाई एंजाइटी वाले लोग और 50 लिए गए लो एंजाइटी वाले लोग, ओके, तो यहाँ पर हमें 50 हाई एंजाइटी एंड 50 क्या हो गए हमारे लो एंजाइटी प्रयोजक प्राप्त किए गए थे। इन उच्च एंड कम दुश्चिंतित यानी कि हाई एंड लो जो एंजाइटी का जो समूह था, दो ये जो दो समूह है ना, ये दो समूहों में भी क्या किया गया, उनमें भी फिर से डिवाइडेड किया गया, उनका भी विभाजन किया गया। तो कैसे, तो दो समूहों में विभाजित किया गया, कौन से, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, ओके। फिर इस प्रायोगिक समूह ने पहले क्या किया, सीबीसी त्रि अक्षरों की एक सूची थी, वो क्या किया गया, क को सीखा गया, सीखा क को सीखा, और उसके बाद समान सहायक मूल्य के साथ सीबीसी त्रि अक्षरों की सूची ख को सीखा, ओके। तो जो भी ये सीबीसी, यहाँ पर देखिए जो भी सीबीसी डायग्राम था वो ए ने सीखा, और उसके बाद क्या किया, लिस्ट बी जो सीबीसी डायग्राम है उन्होंने सीखा, लेकिन साथ में क्या, सिमिलर एसोसिएशन वैल्यू के साथ में उसे जो भी लिस्ट बी था उन्होंने सीखा, ओके। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने विशिष्ट अवधि, यानी कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो विशिष्ट अवधि थी उसके विशिष्ट अवधि के लिए निरस्तीकरण के कार्य को उन्होंने किया, ओके। उसके बाद देखिए स्पेसिफिक पीरियड जो होता है ना, जो विशिष्ट अवधि को क्या कहेंगे, स्पेसिफिक पीरियड, ओके। तो यहाँ पर स्पेसिफिक पीरियड को कैंसलेशन टास्क के लिए सिखाया गया, ओके। उसके बाद देखिए, उसके बाद क के प्रत्याहान यानी कि रिकॉल के लिए प्रयोजकों का क्या किया गया, टेस्टिंग किया गया, और रिकॉल समूहों को लेने के लिए समूहवार क्या किया गया, माध्य यानी कि मीन्स एंड मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डिवाइजेशन प्राप्त किए गए। उसके बाद देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड डिवाइजेशन है वो पूरे समूह में तुलनीय थे, तो तुलनीय कब होंगे दोस्तों, तो उनके बीच में कुछ तो तुलना की जाती होगी ना, तभी तो वो तुलनीय होंगे ना, समान होंगे तो तुलना नहीं कर पाएंगे, यानी कि दोनों डिफरेंट होंगे तभी तो इसकी क्या किया जाएगा, उसकी कंपेयर किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कंपेयर पाया गया, ओके। वापसी अंकों को आंशिक परिवर्तनीय मानकर उपयुक्त एनोवा कार्यान्वित किया गया, यहाँ पर क्या बताया गया, ट्रेटिंग रिकॉल स्कोर्स एज द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल भी यहाँ पर बताया गया है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बताया गया है, रिकॉल, ओके। चलिए उसके बाद क का मुख्य प्रभाव जो मेन इफेक्ट होती है वो क्या होती है, 0.05 स्तर पर सार्थक पाया गया, सार्थक यानी कि क्या किया जाता है, सार्थक को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होगा कि अंतर पाया जाता है ना, सिग्निफिकेंट को क्या बोलेंगे, अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा क है यानी कि यहाँ पर दिया गया है ए, ओके, यहाँ पर हिंदी में क बोला गया है उसी को यहाँ पर इंग्लिश में ए बोला गया है, तो ए का जो भी जो है उसके मेन इफेक्ट को हमें यहाँ पर कितना मिला, 0.05 स्तर पर वो सिग्निफिकेंट पाया गया है, ओके। इसी प्रकार एफ रेशियो जो भी मीन्स ऑफ स्क्वायर ऑफ ए इंटू बी, ओके, बाय एम एस ई, ओके, तो ये आपको याद रखना है, मीन स्क्वायर ऑफ ए इंटू बी बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर, ओके, ये एक क्या है, उसका सूत्र है, ओके, एफ रेशियो का। तो एफ रेशियो भी हमें 0.01 स्तर पर सांख्यिकीय दृष्टि से क्या किया गया, सार्थक पाया गया यानी कि सिग्निफिकेंट पाया गया, ओके। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई दोस्तों।
चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या क्या बनाना है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए ओके, तो सबसे पहले हम तय करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं। तो यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए प्रक्षिप्त अधिगम जिसे हम क्या कहेंगे, इंटरपोलेटेड लर्निंग, ओके। और दूसरा क्या है, दूसरी एंजाइटी, यानी कि अगर जो भी रिसर्चर है वो जो प्रायोजकों को इंटरपोलेटेड लर्निंग अगर सिखा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, एंजाइटी भी उसमें शामिल होगी, इफेक्ट करेगी किस पर, तो रिकॉल पर, ओके। यहाँ पर हमारा रिकॉल है, तो रिकॉल हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हमें यहाँ पर बताया गया है, ओके। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि रिकॉल पर इफेक्ट करता है ये IV1 और ये IV2, ओके। तो IV1 कौन सा है हमारा, तो इंटरपोलेटेड क्या है, इंटरपोलेटेड लर्निंग, ओके, इंटरपोलेटेड लर्निंग। तो ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 क्या है दोस्तों, तो एंजाइटी, क्या है, एंजाइटी, ओके। तो ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। अब देखिए जब ये जो इंटरपोलेटेड लर्निंग है वो रिकॉल पर इफेक्ट करता है तो साथ ही साथ एंजाइटी भी यहाँ पर क्या करती है, इफेक्ट करती है, ये बात यहाँ पर बताई गई, ओके। तो ये यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 और 2 दोनों हो गए। और यहाँ पर रिकॉल हमारा क्या हो गया, रिकॉल हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। उसके बाद हमें देखना है हाइपोथेसिस को देखना है। चलिए वेरिएबल हमने देख लिया, तब हम हाइपोथेसिस को देखते हैं। तो हाइपोथेसिस को जब देखते हैं, क्या है हमारी हाइपोथेसिस, यहाँ पर देखिए ये प्राकल्पना की गई, क्या प्राकल्पना की गई है कि जो भी प्राकल्पना की गई, जो भी इंटरपोलेटेड जो लर्निंग होता है उससे क्या होता है कि जो भी कम यानी कि लो एंजाइटी एंड हाई एंजाइटी प्रायोजन जो मूल अधिगम होता है उसके रिकॉल पर क्या होता है, अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 ये दोनों क्या करते हैं, रिकॉल पर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, यानी कि इसका प्रभाव पड़ता है, ये बात हाइपोथेसिस में बताई गई है, ओके। चलिए अब हाइपोथेसिस हमने कंप्लीट कर ली, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर रिसर्च डिजाइन कौन सी बनेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि टोटल यहाँ पर प्रायोजक कितने हैं, ओके। तो यहाँ पर मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पर 200 प्रायोजक की बात की है, लेकिन लिए कितने हैं, 50 हाई एंजाइटी वाले लिए हैं और क्या है, 50 लो एंजाइटी वाले, ओके। तो यहाँ पर देखिए जो हाई एंजाइटी, ये हाई एंजाइटी वाले हैं, ओके, और ये लो एंजाइटी वाले, ओके, लो एंजाइटी वाले। तो हाई एंजाइटी एंड लो एंजाइटी दो समूह हो गए, ये समूह ए हो गया हमारा, ये समूह बी हो गया, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए हाई जो एंजाइटी वाले हैं उनमें भी क्या किया गया, दो समूह लिया गए, दोनों में दो दो समूह लिए गए, ओके। तो हाई एंजाइटी में क्या हुआ, हाई एंजाइटी में लिया एक्सपेरिमेंटल और दूसरे में लिया क्या, कंट्रोल, ओके। यहाँ पर भी लो में क्या किया गया, एक्सपेरिमेंटल लिया गया और उसके बाद लिया गया कंट्रोल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों टोटल हमारे जो भी समूह कितने हैं, दो समूह हैं, ओके, और उसके भी दो दो समूह बने, है ना। तो यहाँ पर रिसर्च डिजाइन क्या बनेगी दोस्तों, तो फैक्टोरियल डिजाइन, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और उसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, रिसर्च के प्लेलिस्ट में, ओके। तो यहाँ पर जब भी दो समूह होते हैं तो हमारे पास कितने समूह है, दो है, और उनमें भी समूह कितने हैं, तो इसके कितने हैं, दो है, यानी कि दो, और यहाँ पर कितने हैं, दो, ओके। तो 2/2 यहाँ पर हमारी क्या बन गई, 2/2 फैक्टोरियल डिजाइन बन गई, ओके। तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ कि ये जो समूह ए है और ये समूह बी है, समूह ए में कितने मिले हमें, समूह दो मिले, और समूह बी में हमें कितने मिले, दो मिले, यानी कि 2/2 फैक्टोरियल डिजाइन यहाँ पर बन गई, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ, हमने फैक्टोरियल डिजाइन बना ली। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है,
यहाँ पर आपको लास्ट में बताया गया है कि यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंट अंतर आपको दिखने को मिल रहा है। तो सिग्निफिकेंट अंतर अगर आपको दिखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपको यहाँ पर जो भी आपके हाइपोथेसिस बनाई थी उसमें भी बताया गया है कि इफेक्ट पड़ता है ना, अंतर तभी निकलेगा ना इफेक्ट पड़ेगी तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट बताया गया है, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि सिग्निफिकेंट, ओके सिग्निफिकेंट, ओके कोई बात नहीं, चलिए सिग्निफिकेंट जो अंतर आपको बताया गया है, सिग्निफिकेंट बताया गया है, तो वो क्या बता रहा है कि अंतर है, ओके तो यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, तो आई वी वन भी कर रहा है, आई वी टू भी कर रहा है, ओके दोनों ही किस पर इफेक्ट कर रहा है, रिकॉल पर इफेक्ट कर रहा है, ये बात यहाँ से सिद्ध होती है, ओके चलिए अब यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखेंगे और हिंदी वाले हिंदी में देखेंगे, ओके चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकल्प उपरोक्त अनुसंधान में प्रयोग में लाया जाता है, तो यहाँ पर रिसर्च डिजाइन की बात की गई है, तो डिजाइन कौन सी यहाँ पर प्रयोग में लाई गई है, तो देखिए एकल स्वतंत्र परिवर्ती सहित बहुसमूह प्रकल्प, यानी कि मल्टी ग्रुप डिजाइन विद सिंगल आई वी, टू बाई टू फैक्टोरियल डिजाइन, यहाँ पर टू बाई टू कारकीय प्रकल्प, तो देखिए यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया था ना, फिर से अभी देखिए टू बाई टू मिक्स्ड फैक्टोरियल डिजाइन, रिपीटेड मेजर डिजाइन, तो यहाँ पर तो हमारी क्या बन रही है दोस्तों, यहाँ पर टू बाई टू फैक्टोरियल डिजाइन बन रही है, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, टू इज द करेक्ट आंसर, ओके यहाँ पर हमने देखा ना कौन सी यहाँ पर रिसर्च डिजाइन ये बनाई ना हमने, ये हमारी क्या बनी, टू बाई टू फैक्टोरियल डिजाइन बनी, ओके आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर सही है ये पूछा है, ओके तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, प्रसरण की समांगता की पूर्वधारणा संतुष्ट हुई, तो यहाँ पर देखिए द अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस वाज सर्टिफाइड, ओके उसके बाद है प्रसरण की समांगता की पूर्वधारणा संतुष्ट नहीं हुई है, ओके उसके बाद देखिए प्रसरण की विषमांकता को ठीक करने की आवश्यकता थी, उसके बाद देखिए प्रसरण की समांगता की पूर्वधारणा का मूल्यांकन करने के लिए आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तो हमें बताया गया ना, यहाँ पर सिग्निफिकेंट अंतर आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, पूर्वधारणा जो की गई थी, अजम्पशन किया गया था वो क्या है, वो सेटिस्फाइड हो रहा है ना, होमोजेनिटी होता है तो उसके बारे में यही बताया गया ना, तो यहाँ पर संतुष्ट तो हुई, यहाँ पर बताया गया था कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये बात तो हमने हाइपोथेसिस में बताई थी, और यहाँ पर भी हमें क्या सार्थक अंतर पाया गया, यानी कि यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ इफेक्ट कर रहा है, ओके तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी पूर्वधारणा की गई थी, जो अजम्पशन किया गया था वो क्या है, सेटिस्फाइड हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, वन इज द करेक्ट आंसर, ओके चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क के मुख्य प्रभाव के बारे में उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कंक्लूजन के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकलेगा उसके बारे में पूछा है, क के प्रत्यान पर प्रक्षिप्त अधिगम यानी कि इंटरपोलेटेड लर्निंग का कोई प्रभाव नहीं था, तो ये तो गलत हो गया ना, प्रभाव तो यहाँ पर हमें दिखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर बताया हुआ है, तो ये तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रभाव नहीं था, तो ये तो गलत है ना, प्रभाव है, प्रसिद्ध अधिगम के पश्चगामी अवरोध में व्यवधान हुआ, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि बाद में जो भी इंटरपोलेटेड लर्निंग है उसके बाद के जो अवरोध है उसमें क्या किया व्यवधान हुआ है, तो ये तो हमें पता ही नहीं चला, यहाँ पर इतना ही हमें बताया गया है कि कुछ इफेक्ट हुआ है, ओके यहाँ पर ये बताया गया है कि इफेक्ट हुआ है, लेकिन क्या इफेक्ट हुआ है ये हमें नहीं बताया गया है ना, तो यहाँ पर हम ये भी नहीं आएगा है ना, क्योंकि पश्चगामी अवरोध में व्यवधान हुआ है या फिर आसानी हुई ये तो हमें पता ही नहीं चला है,
भी हमें तो इतना पता चला है कि उसमें कुछ कुछ तफावत देखने को मिला है, कुछ अंतर देखने को मिला, इफेक्ट देखने को मिली, लेकिन कैसी इफेक्ट देखने को मिली ये तो हमें बताया नहीं है। तो ये वाला हमारा व्यवधान वाला भी गलत हो गया। और देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि प्रक्षिप्त अधिगम से पश्चगामी अवरोध में क्या हुआ, आसानी हुई, तो आसानी हुई है या व्यवधान हुआ है वो तो हमें क्लियरली यहाँ पर पैराग्राफ में बताया ही नहीं, सिर्फ यही बताया कि सार्थक पाया गया है, लेकिन कितना अंतर पाया गया, क्या अंतर पाया गया ये तो सारी बातें हमें बताया ही नहीं है ना। तो उसके बाद या तो पश्चगामी अवरोध या पूर्वगामी आसानी संभव हुई, बिल्कुल भी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं या तो फिर अवरोध पश्चगामी अवरोध हुआ है या तो फिर पूर्वव्यापी क्या हुआ है, आसानी संभव यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि एमएस ए इंटू बी बाय एमएस एरर के रूप में परिभाषित एफ अनुपात के अंश के लिए स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी, यानी कि आपको नम्रेटर और डेनोमीटर मैनेटर डेनोमैनेटर और नम्रेटर दोनों की क्या आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया। ओके तो नम्रेटर का क्या होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या, आपको यहाँ पर एक सूत्र याद रखना होगा। ओके तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ नम्रेटर में किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके तो चलिए ठीक है, यहाँ पर नम्रेटर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकालना है, ओके यहाँ पर जो नम्रेटर का जो भी हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए सूत्र है। तो वो सूत्र क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर है P-1 ब्रैकेट ब्रैकेट में देखिए P-1 इंटू ब्रैकेट में Q-1, ये है आपका नम्रेटर जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होता है उसका ही क्या है, उसका ही सूत्र है। ओके तो इसके हिसाब से आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जो P होगा वो आपका क्या होगा, P होगा आपका A होगा समूह। ओके यहाँ पर हमने देखा था ना क क और ख, तो ये जो है वो हमारा A का है और ये जो Q है वो हमारा क्या है, B का है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं A-1 और यहाँ पर B-1 है ना। तो चलिए A में कितने समूह हैं, तो A में आप कहेंगे मैम 2 है A-1, B में कितने समूह हैं 2 है -1। ओके चलिए अब देख लेते हैं 2-1 कितने होंगे 1 इंटू, यहाँ पर इंटू आएगा है ना, ब्रैकेट में है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, इंटू का इंटू होता है ना, गुना करना। चलिए यहाँ पर क्या है 2-1 तो कितना होगा 1, तो 1 × 1 कितना होगा 1। ओके तो यहाँ पर हमारा नम्रेटर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। ओके अब देखते हैं क्या डेनोमिनेटर, तो डेनोमिनेटर में क्या होगा दोस्तों, तो उसका भी यहाँ पर सूत्र होता है, तो उस सूत्र को यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह करके लिख देती हूँ। ओके ऊपर की ओर क्योंकि नीचे की ओर आपको नहीं दिखेगा, चलिए यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके तो देखिए इसमें किस तरीके से आप निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए जब भी एफ रेशियो की बात आती है और उसमें आपको क्या करना है, डेनोमिनेटर का अगर एफ रेशियो निकालना है तो आपको यहाँ पर सूत्र लगाना होगा। सूत्र में यहाँ पर लिख देती हूँ पी क्यू इंटू N-1। ओके ये हो गया उसका सूत्र। अब देखिए लगा लीजिए P का मतलब मैंने क्या बताया था, P का मतलब A, तो A में कितना है, तो A में है हमारा 2 है ना। फिर Q में कितना है, तो Q में हमारा B, यानी कि Q में कितने ग्रुप है 2 है, तो 2 × 2 हो गए। और यहाँ पर ब्रैकेट में हम करेंगे N, तो देखिए यहाँ पर N जो है वो स्मॉल N है, क्या है स्मॉल N। ओके बड़ा वाला N नहीं है, स्मॉल N, तो स्मॉल N यहाँ पर क्या होगा, सबसे छोटा N होता है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया था, 50 हाई एंजाइटी और 50 हमने लो एंजाइटी ली हुई थी है ना। तो यहाँ पर 2 समूह हुए, 50 में से 2 समूह हुए, तो एक समूह में कितने हुए 25 हुए, दूसरे में कितने हुए 25 हुए। यहाँ पर लो में भी क्या हुआ, 2 समूह बनाए थे, एक्सपेरिमेंटल में 25 हुए और कंट्रोल में भी कितने हुए 25 हुए है ना। तो यहाँ पर हमें सबसे छोटा एन हमारा क्या निकला, 25-25 का हमारा ग्रुप निकला है ना, तो सबसे छोटा एन क्या हो गया 25 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25-1। ओके बहुत इजी है, इन सूत्रों को याद रख लेना। ओके चलिए अब इसका कर दीजिए 2 × 2 कितना हो गया 4 होगा,
और 25-1 कितना होगा 24 होगा। तब चलिए यहाँ पर 4 × 24 ओके, इस तरीके से हम ब्रैकेट में से निकालेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखिए चार यहाँ पर देखिए 4 × 4 कितने होंगे 16 होंगे, यहाँ पर रख दीजिए 1, 4 × 2 कितने होंगे 8, 8+1 कितने होंगे 9, यानी कि हमारा जो जो भी एवरेज जो है वो कितना मिला हमें 96 मिला। तो यहाँ पर हमारा डिग्री फ्रीडम नंबरेटर का कितना मिला था तो 1 मिला था, और यहाँ पर डेनोमिनेटर कितना मिला हमें यहाँ पर 96 मिला। तो कहाँ पर है 1 और 96, तो देखिए यहाँ पर आप बताएंगे यहाँ पर है 1 196 ओके। तो ये हो गया आपका आंसर, तो ए 1 इज द करेक्ट आंसर ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसंधानकर्ता की प्राक कल्पना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हाइपोथेसिस के बारे में यहाँ पर कौन सा कंक्लूजन आप निकालोगे, ये बात यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अनुसंधानकर्ता की प्राक कल्पना का सत्यापन कर लिया गया है, अनुसंधानकर्ता की प्राक कल्पना का सत्यापन नहीं किया गया है, अनुसंधान की प्राक कल्पना का सत्यापन करने के लिए आवश्यक पूरे आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, दुश्चिंता के कारण प्रक्षिप्त अधिगम का प्रभाव परिवर्तित हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो सत्यापित हो रही है या नहीं हो रही ओके। तो यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया कि कितना इफेक्ट हो रहा है ओके, अगर कितना इफेक्ट अगर हो रहा है यहाँ पर हमें बताया गया अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो अधिक पड़ा है या कम पड़ा है ये हमें यहाँ पर पैराग्राफ में कुछ भी नहीं बताया गया ओके। लेकिन यहाँ पर हमें इतना ही बताया गए कि इफेक्ट कर रहा है ओके। तो जो इफेक्ट कर रहा है तो कैसे इफेक्ट कर रहा है, ज्यादा कर रहा है कम कर रहा है, वो हमें नहीं बताया गया ओके। तो हमारी हाइपोथेसिस तो क्या थी, ज्यादा बता रही है कि अधिक प्रतिकूल प्रभाव करेगा है ना। तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि ज्यादा किया है या कम किया है, तो ये हम नहीं मान सकते कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो क्या है वेरीफाइड हुई है या नहीं हुई ओके। तो ये हमारा गलत हो गया, वेरीफाइड हुई है वो हमें पता नहीं चलेगा, और सत्यापन नहीं किया गया है यानी कि वेरीफाइड नहीं हुई है ये भी हमें नहीं पता चल रहा है ना। तो उसके बाद देखिए अनुसंधानकर्ता की प्राक कल्पना का सत्यापन करने के लिए आवश्यक पूरे आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए, बिल्कुल भी सही। हमें यहाँ पर कुछ बताया गया नहीं, डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि वो इफेक्ट कितनी ज़्यादा हुई है या कम हुई है ना। फिर दुश्चिंता के कारण यानी कि एंजाइटी के कारण जो इंटरपोलेटेड लर्निंग है उसका प्रभाव क्या हुआ, परिवर्तित हुआ, बिल्कुल हुआ है ना। तो इंटरपोलेटेड लर्निंग का जो प्रभाव पड़ने वाला था रिकॉल पर, साथ ही साथ एंजाइटी का भी प्रभाव हुआ है ना, क्योंकि तभी तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि यहाँ पर इफेक्ट हुई है, लेकिन क्या इफेक्ट हुई वो नहीं बताई गई ओके। तो ये इफेक्ट तो हुई है, तो यहाँ पर हमें क्या आंसर मिलता है, सी और डी। तो हमारा 3 इज द करेक्ट आंसर ओके। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चले तो दोस्तों ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आपको समझा दिए, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत रहती है तो आप YouTube पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या तो फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल चल रहा है तो टेलीग्राम चैनल का ग्रुप जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप ज्वाइन होकर वहाँ पर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे ओके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।